गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? खूब सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी ना के अभी मेरा मॉर्निंग का काम तो ऑलरेडी मैंने ख़त्म कर लिया था। अभी लंच बना रही हूँ। आज शनिवार है, वो एक्चुअली मैंने कटहल के। सो गाइस, ये कटहल की कटहल है। मम्मी ने ऑलरेडी काट चुकी है। मैं जब आई तो मम्मा ने आधा काट लिया है, तो स्लाइस स्लाइस करके काटते ही मुझे कटहल इतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा खाने के टाइम ये हैवी रहता है। मैं कम ही खाती हूँ, इसका झोल खाती हूँ और आलू खाती हूँ। कटहल एक दो पीस लेती हूँ मम्मी। और जो व्हाइट वाला गम निकलता है ना, वो ज़्यादा हाथ में चिपकता है, तो बेस्ट है सरसों का ऑयल ले लीजिएगा हाथ में। बस कटिंग शुरू। ये है, मम्मा ने काट के दिया है, मैं उसको बॉईल करूँगी। और मैं प्रेशर में बॉईल करूँगी। आप चाहे तो कढ़ाई में भी डाल सकते हैं। कढ़ाई, मुझे लगता है कढ़ाई बेस्ट है, क्योंकि कभी कभी प्रेशर में ना ज़्यादा सीटी हो जाता है और बहुत ज़्यादा बॉईल भी हो जाता है, इसलिए उसका भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मैंने कोई बात नहीं कि मैंने प्रेशर में ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया था। मैंने एक सीटी डाली थी और वो बॉयल हो गया था। और मम्मा ने बोला कि एक बैंगन, बड़ा सा बैंगन था, तो उसको फ्राई कर लेते हैं, इसलिए बैंगन का भाजा आज बना रही हूँ लंच में। और दोपहर के टाइम हमारा तो राइस कंपलसरी रहता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि रात दोपहर के टाइम रोटी खाते हैं, पर हमारा तो उड़ीसा में राइस कंपलसरी रहता है। ये देखिए, मेरा बॉयल हो गया कटहल, उसको अलग से बर्तन से निकाल रही हूँ। सुबह से उड़द दाल ऑलरेडी बना चुकी थी, उसका बस छौंका लगा रही हूँ। हमारे घर में राइस थोड़ा सा लेट बनाती हूँ, तो दाल बहुत जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि नहाने से पूर्व मैं दाल चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहाने के बाद उसको बस छौंका लगाना पड़ता है और करी सब्जी थोड़ा बस बनाना पड़ता है। सो मुझे ज़्यादा इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए, सरसों का ऑयल में कढ़ाई गर्म हो गया, सरसों का ऑयल डाली हूँ। ज़्यादातर कटहल की सब्ज़ी सरसों का ऑयल से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, रिफाइन से इतना नहीं बनता मुझे लगता है। ये मेरी थिंकिंग है, ओपिनियन है, सरसों का ऑयल से ज़्यादा अच्छा लगता है कटहल की सब्ज़ी। तो अभी ऑयल गर्म हो गया, तो ऑयल में थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। कटहल थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो गया, मैं सच में ध्यान नहीं दे पाई। मुझे कभी कभी यही प्रॉब्लम होता है, मैं ज़्यादा बॉयल कर लेती हूँ, और जब करी बनाती हूँ तो वो चेथरा चेथरा उड़ जाता है। इसलिए मम्मी बोली कि ना, ये थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो गया, इसलिए थोड़ा ध्यान रख के मुझे करी उसको बनानी पड़ेगी। तो इसमें तो सरसों का ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे ही अगर करी आप बना दोगे तो उसका कच्चापन रहता है और उसका कुछ अलग सा टेस्ट आता है। मैंने किसी एक हॉस्टल में जब थी ना, तो मैंने किसी ने बनाया था, मुझे दिया था, तो उसका टेस्ट इतना गंदा था, मैंने कहा कि आप उसे फ्राई नहीं किए ना, मैंने ऐसे ही बना दिए, बस इसे उबाल के ऐसे बॉईल कर देते हैं, ऐसे मसाला में डाल दिए। एक्चुअली मैं प्याज काट रही थी तो आँखों में आंसू आ गए। मुझे प्याज काटने टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो सब बहता है आँखों में, नाक में। तो गाइस, ये कटहल आलू फ्राई कर लिया था, तो अभी उसी कढ़ाई में करी बनाऊंगी। इसीलिए मैं बड़ी खड़ा मसाला जो डालते हैं, एक लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, एक इलायची, सब डाल के फ्राई करती हूँ। उसके बाद एक बड़ा सा प्याज, मैंने थोड़ा सा ददरा ऐसे बना के रखा था कटिंग करके, तो उसको फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने के बाद मसाला ऐड करूँगी। मैंने मसाला में लिया है जीरा, अदरक, लहसुन का पेस्ट है, और इसमें थोड़ा सा प्याज फ्राई होने के बाद वह मसाला ऐड करूँगी।
गाइस जब प्याज ब्राउन कलर का हो गया था तो मैं उसमें मसाला डाल रही हूँ। मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा अच्छा लगेगा, जो ज़्यादा मसाला रहेगा तो मेरी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा थी तो मैंने मसाला थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है उसमें। उसे अच्छे से फ्राई करूँगी, उसके बाद ही सारे जो भात जो मैंने थोड़ा सा फ्राई करके रखा था आलू और कटहल, उसको मसाला अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद ही कटहल उसको ऐड करूँगी। यही प्रोसेस करती हूँ मैं कटहल की सब्ज़ी। सो गाइस, मैंने एक्चुअली एक ड्रेस लिया था और कभी मैं जो भी लाती हूँ सब अनबॉक्सिंग करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने एक ड्रेस लिया था और मुझे धोती वाला पैंट बहुत ज़्यादा पसंद है। इस शर्ट वाला कुर्ता है और उसका पैंट धोती स्टाइल का है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। वही दिखा दी हूँ, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। और उसके जो लेस होता है ना, गोल्डन कलर का काम हुआ है, लेस लगाया हुआ है गोल्डन कलर का, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने ये एक्चुअली एक ये जो कुर्ती है ना, ये मेरे पास नहीं था ये कलर वाला, तो इसलिए मैंने लाई। सो गाइस, ये मेरा लंच बन के रेडी हो गया और ये देखिए मेरा लंच है, कटहल मैंने कमी सब्ज़ी लाई हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, टाटा।